हेलो स्टूडेंट्स, आज प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चैप्टर का तीसरा क्लास है। यहाँ पर हम सर्विस प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में जानेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके बारे में जानेंगे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। नाउ सर्विस प्रोडक्ट प्राइसिंग कुछ अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि सर्विस और प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो उसमें प्रोडक्ट का मतलब फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। ओके, सो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि सर्विस प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब सर्विस भी एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिफरेंट जो सर्विसेज है वो भी डिटरमिन करता है। प्राइस का जो सर्विस है वो उसको डिटरमिन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। और यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स दिया है, ये टेबल में देखो सर्विस प्रोवाइडर का नाम दिया है, उसके साथ प्राइस जो चार्ज करते हैं सर्विस के लिए, तो उसका भी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। देखो क्या बैंक का सर्विस क्या है बेटा, सर्विस चार्ज, और माने प्राइस क्या है ना, इंटरेस्ट। बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज द प्राइस चार्ज बाय द बैंक, दैट मीन्स द बैंक इज गिविंग यू द फैसिलिटी बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज द चार्ज और द प्राइस यू आर पेइंग फॉर द लोन टेकन बाय यू। एंड सर्विस चार्ज मीन्स कोई भी स्पेशल कुछ सर्विस देगा बैंक तो सर्विस चार्ज चाहिए उसको लगेगा, जैसे कि एटीएम का फैसिलिटी दे रहे हैं इसके लिए सर्विस चार्ज, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जो फैसिलिटी दे रहा है इसके लिए भी सर्विस चार्ज लगता है। नाउ नेक्स्ट इज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, लीगल सर्विस एट्सेट्रा। तो इसमें आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो तो आप लोगों का प्राइस क्या है, फॉर गेटिंग द सर्विस दैट इज टीचिंग फ्रॉम द कॉलेज, दैट इज योर फीस, मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और एनुअल फीस। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, जैसे कि बस, ट्राम, टैक्सी, मेट्रो, ट्रेन, एरोप्लेन एट्सेट्रा। तो व्हाट इज दैट ना, फेयर, उसको बोलते हैं फेयर। और फ्रेट, जैसे आप माल पहुंचाना चाहते हो कहीं पर, माल लाना चाहते हो कहीं से, तो इसका जो भाड़ा, टेम्पो का भाड़ा, जो भी हो ये इसको कहेंगे। तो प्राइस चार्ज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स और प्राइस चार्ज्ड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स ये आर फेयर एंड फ्रेट। लाइकवाइज एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, कमीशन। एजेंट का प्राइस क्या होता है, कमीशन। इंश्योरेंस कंपनीज आपको जो कवरेज देगा उसके लिए आप लोग प्रीमियम भरते हो, ठीक है। तो दिस इज द प्राइस चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। रोड मेंटेनेंस अथॉरिटी क्या है, टोल। टोल जो रोड मेंटेन करता है, एक टोल रहता है। जैसे कि देखो, हम लोग जो सेकंड हुगली ब्रिज जब पार करते हैं, कोलकाता से हावड़ा जाते हैं, तो हावड़ा के घुसने के टाइम वहाँ पर एक टोल होता है, उस टोल में चेकिंग होता है। वो टोल में हमको टोल दे के और एक स्टेट में घुसना पड़ता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में घुसना पड़ता है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में घुसना पड़ता है। और ये जो मेंटेनेंस है, ये पूरा जो ब्रिज, ये रास्ता जो है, इसको मेंटेन करता है टोल। तो प्रॉपर्टी यूज़ के लिए क्या होता है, प्राइस चार्ज होता है रेट। तो ये जो सर्विस, ये सब सर्विस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है दुकान में जाके आप खरीद लाओ, तो इसका भी प्राइस चार्ज होता है और इसका अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। जैसे सर्विस इज इंटेंजिबल, दिखा नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, इनसेपरेबल, हिटेरोजीनियस मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ, पेरिशेबल जिसको कंज्यूम हो जाता है जल्दी, इसका सब्स्टिट्यूट होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सर्विस नेचर अलग अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी, कवरेज भी ज़्यादा लंबा भी होता है, शॉर्ट भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। ओके, सर्विस देने के लिए बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, कोई स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स आते हैं,
लिस्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन भी के बहुत सारे रेगुलेशंस रूल्स है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, कस्टमर्स व्यू पॉइंट से सर्विस को देखा जाए कैसे, और लेवल ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन कैसा मिलता है सर्विस प्रोवाइडर्स को। नाउ नेक्स्ट इज सर्विस प्राइसिंग। जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग हमने डिटेल्स में किए बेटा, सर्विस प्राइसिंग भी ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स और स्ट्रेटजीज है, ठीक है। तो जैसे हमने ये इस सर्विस प्राइसिंग में इम्पॉर्टेंट जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो सब हमने प्रोडक्ट के टाइम पे, प्रोडक्ट प्राइसिंग के समय हमने पूरा डिटेल्स बता दिए। यहाँ पर देखो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, जैसे बताया था कॉस्ट प्लस अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का सर्विस का प्राइस होगा। नेक्स्ट इज कंपिटिटर्स प्राइसिंग मेथड, ये भी हमने डिस्कस कर चुके कि कंपिटिटर्स मार्केट में कंपिटिटर्स का प्राइस क्या है, उसके हिसाब से सर्विस प्राइसिंग, सर्विस का माने प्राइसिंग भी करना पड़ता है। और जो अलग कंपटीशन में एक टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सेम टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स का प्राइस क्या है उसको ही फॉलो करना पड़ता है। परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर मेथड, ये प्रोडक्ट में भी हमने पढ़े थे बेटा कि एक सर्विस के लिए कस्टमर कितना माने प्राइस देना चाहता है, ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज, मतलब कहाँ से सर्विस प्रोवाइडर आएगा, मैंने ये डिपेंड करता है। बहुत दूर दूसरा स्टेट से आता है तो वो अलग अलग चार्ज होगा, प्राइस होगा, और स्टेट के अंदर होगा तो अलग होगा, और कलकत्ता एकदम लोकल एरिया में होगा तो अलग होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। गवर्नमेंट रेगुलेशन है कुछ प्राइसिंग के ऊपर, वो फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ प्रमोशन के भी, मैंने कैसे प्रोमोट कितना करोगे ये सर्विस को, ऐसे इसके ऊपर प्राइस डिटरमिन होता है। और नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सर्विस, कैसा टाइप ऑफ सर्विस का नेचर है इसके ऊपर डिपेंड करके भी प्राइसिंग किया जाता है। और कस्टमर्स व्यू, नाउ कस्टमर्स व्यू के ऊपर भी ये लेके सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उसका प्राइसिंग ठीक किया जाता है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग चैनल्स। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पाथ और वे थ्रू विच द गुड्स और सर्विसेज मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। ओके, मैंने किस तरह प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर पास में तो नहीं रहते, एक डिस्टेंस होता है, उस प्रोड्यूसर के गोडाउन से और फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाना, मतलब कस्टमर तक पहुंचाना, वो एक लंबा रास्ता होता है बेटा, वही कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से गुड्स मूव करेगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स। नाउ मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑब्वियसली द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद इंटरमीडियरीज है, उसके बाद फैसिलिटेटिंग एजेंसीज है, एंड फाइनली कंज्यूमर्स है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स तो हम जानते हैं किसको कहते हैं। नाउ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज एक्चुअली क्या है ना, जो इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व्ड इन लोकेटिंग द मैन्युफैक्चरर्स, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, देन डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स। तो इन लोगों का काम है कि मैन्युफैक्चरर्स को लोकेट करना, उसके बाद कंज्यूमर क्या चाहता है उसको नीड्स को आइडेंटिफाई करना, देन मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर माल को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, नाउ फैसिलिटेटिंग एजेंसीज कौन है ना, फैसिलिटेटिंग एजेंसीज मतलब क्या है, ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये मार्केटिंग चैनल्स को फैसिलिटेट करता है, सुविधा देता है, हेल्प करता है। कौन कौन सा है ये इसमें, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो फैसिलिटेटिंग एजेंसीज आर ऑल इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज, warehousing companies, etc. They facilitate transfer of goods from manufacturers to the ultimate consumers, okay, through intermediaries. तो facilitating एक manufacturer के पीछे facilitating agencies रहता है, जो loan देता है, जो insurance cover करता है, transport agencies है, warehouse है, मतलब godown companies है, तो ये facilitate करता है। तो और
मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच जो लिंक बनाता है दे आर टर्म्ड एज द इंटरमीडियरीज। क्लियर? जैसे जो हमने जस्ट पहले ही पढ़ा, इंटरमीडियरीज कौन है। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दो टाइप है, एक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ध्यान से सोचो, डायरेक्ट का मतलब क्या है? एकदम डायरेक्ट, प्रोड्यूसर बनाया और कस्टमर को जाके बेचा, एकदम डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, बीच में कोई नहीं है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट चैनल्स। इनडायरेक्ट चैनल में बहुत तरह का इनडायरेक्ट चैनल होता है, जैसे प्रोड्यूसर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। प्रोड्यूसर डायरेक्टली माल रिटेलर को बेचता है। सपोज ये जो शॉप्स है जहाँ से हम लोग खरीदते हैं, रिटेलर और कंज्यूमर का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ओके, डायरेक्ट लिंक होता है, तो रिटेलर को बेचता है, रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुँचाता है। और ये भी होता है कि जैसे प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से कंज्यूमर। अच्छा, सबको पता है खिदिरपुर मार्केट इज़ अ होलसेल मार्केट। क्लियर? वो होलसेल मार्केट क्या करता है ना, रिटेलर्स को माल बेचता है। रिटेलर मतलब जो शॉप्स है, दुकान है। हाँ, सपोज मोदी दुकान जो है, तो ग्रॉसरी शॉप का पूरा चीज़ मिलता है होलसेल मार्केट, खिदिरपुर मार्केट में, खिदिरपुर बाज़ार में। तो वहाँ पर देखो बेटा, हम लोग भी जाते हैं, कस्टमर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स, कंज्यूमर्स जाते हैं उस दुकान में खरीदने के लिए, और रिटेलर्स व शॉपकीपर्स और दुकान का मालिक भी आते हैं अपने दुकान के लिए चीज़ खरीदने, माल खरीदने। तो देखो, प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू कंज्यूमर, हम लोग जब डायरेक्ट खरीदते हैं तब वो बन जाता है इस नंबर टू चैनल, दैट इज़ प्रोड्यूसर होलसेलर टू कंज्यूमर। और तीसरा क्या है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, जिसका सब ग्रोसरी शॉप है, वो जाके खरीद लिया, वो लाके अपना दुकान में उसको जो प्रोडक्ट्स लाया, माल लाए, भर्ती किया, और उनका जो लोकेलिटी, लोकल पीपल है, वो कंज्यूमर्स वो रिटेल शॉप से खरीदा। ओके, नाउ फोर्थ वन इज व्हाट ना, प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से कंज्यूमर्स। ओके, प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से कंज्यूमर्स। जैसे कि फॉर इंश्योरेंस कंपनी, सपोज इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, तो LICI, वो है प्रोड्यूसर। तो एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट जो हमको, हम तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लिंक नहीं होते, क्या करते हैं वो लोग एजेंट के ज़रिए वो ये सर्विस देता है, माने इंश्योरेंस बेचता है टू द कंज्यूमर्स। सो प्रोड्यूसर, एजेंट, देन कंज्यूमर, एंड द लास्ट चैनल इज व्हाट ना, प्रोड्यूसर, उसके बाद एजेंट, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। दिस इज़ द लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी लॉन्ग चैनल। प्रोड्यूसर एजेंट को बेचेगा, वो एजेंट होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, उसके बाद कंज्यूमर तक आएगा। देखो, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर के बीच तीनों मिडलमैन आ गया, ठीक है। तो दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो पब्लिक मतलब क्या है बेटा, पब्लिक दैट इज द पब्लिक सेक्टर कंपनीज जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करते हैं, वो तो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन करता है बेटा। तो देखो, बिसाइड्स प्राइवेट सेक्टर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो हेल्ड ऑन द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अलावा पब्लिक सेक्टर भी, हम पहले जो बात बताए थे बेटा, प्राइवेट सेक्टर, मेनली प्राइवेट सेक्टर के बारे में ही बताए थे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो In 1955, Essential Commodities Act was passed in India, which empowered the government to distribute the essential commodities like rice, wheat, sugar, biscuits, dal, spices, milk, kerosene, sari, beddings, मतलब bed sheets, bed covers, matchbox, खाता, मतलब हम जब छोटे थे रेशन में खाता भी मिलता था, like that, etc. Through कहाँ कहाँ से मिलता है बेटा, ये रेशन शॉप से मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI से मिलता है, पंचायत देता है, ये ऑथराइज डीलर्स देता है, मिल्क डिपो से मिल्क भी मिलता है, सेल्स एम्पोरियम है,
खादी है, सिल्क एंड हैंडलूम सेंटर्स है, तो ये सब ऑल आर अंडर गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये सब एसेंशियल कमोडिटीज़ यहाँ पर सब बेचा जाता है और हम लोग खरीदते भी है। ओके, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।